हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर जनता को कई सौगातें दी। मोदी ने खरियाव में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने 22 विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन भी किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। जेपी नड्डा ने गोवा में बीजेपी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में वर्किंग कल्चर का दबाव आ रहा है, ये पीएम मोदी के कारण आया है। पड़ोसी देश म्यांमार पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की गुरुवार को वहां की मौजूदा सैन्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भारत म्यांमार सीमा को लेकर अहम वार्ता हुई। म्यांमार में आन सान सू की लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता से सैन्य विरोध के जरिए हटाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चल रही बातचीत टूट गई थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच सहमति बनती दिख रही है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया है कि सरकार 3 लाख कोरोना टेस्ट प्रतिदिन करने की तैयारी कर रही है। भविष्य में अगर 1 लाख कोरोना मरीज प्रतिदिन आते हैं तो उसे ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की बंपर जीत के बाद पार्टी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नव निर्वाचित पार्षदों के साथ बैठक के बाद एक मेयर के नाम का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मंत्री फिरहाद हकीम पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए कोलकाता के नए मेयर के रूप में उनके नाम का ऐलान किया है। उन्हें केएमसी के पार्टी का नेता के रूप में चुना है। दिल्ली के अदालत ने सीबीआई की प्रारंभिक जांच लीक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को देशमुख की भूमिका की जांच करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों की जांच चल रही है। सीबीआई की प्रारंभिक जाँच में देशमुख को कथित तौर पर क्लीन चिट दी गई थी। केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगरा में पोर्टल और यूट्यूब चैनलों पर हो रही कार्रवाई को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा है कि देश की एकता और अखंडता को खत्म करने के लिए भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वाले पोर्टल और यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि चयन ईमानदार सोच वाले व्यक्ति का होना चाहिए। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक विस्फोट में अभी तक 2 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार के मुताबिक एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। घटना के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मौके पर पहुंच गए। महाराष्ट्र में भांडुप के सावित्री बाई फूले प्रसूति अस्पताल में पिछले 3 दिनों से सेप्टिक संक्रमण से 4 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं बच्चों की मौत का असर विधानसभा की कार्रवाई में भी देखने को मिला। विपक्ष के विरोध के चलते विधानसभा को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने सरकार से मामले को लेकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कई देशों में पैर पसार चुका है। ओमिक्रॉन को लेकर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई है। इन्हीं पाबंदियों के चलते एक जोड़े की शादी में अड़चने आ रही थी। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने जोड़े को ऑनलाइन शादी करने की मंजूरी दे दी है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।